यहाँ से सभी को दिख पाएगा, दिख पा रहा है? हाँ दिख पा रहा है। नहीं तो नीचे वाला में दीजिए सर। कैसे ही निकालो, उसमें बारीक छील दे। चौकी चौकियों को दे दीजिए नीचे। पानी से बाद यहाँ से देखिएगा आप सबको, है ना? हमने एक कैप पानी दे दिया यहाँ पे, एक कैप पानी यहाँ पे और दे डाल दिया हमने, इसमें दो कैप कर दिया है और यहाँ पे हमने एक कैप दिया। चाचा क्या हुआ भाई, सब बताओ। ये फैल गया और ये रुका है एक जगह, जिसमें दो कैप पानी दिया वो एक जगह पानी ऐसे रुका है, जितना नीचे गिरा वो समझे वाष्पीकरण होकर उड़ गया। और इसमें से कुछ गिरा के नीचे कहाँ पे गया, फैल गया और अंदर इसमें समा गया। इसमें आधा पानी और इसमें डबल पानी हमने दिया, बस केवल एक से दो बूंद इसमें हमने ढोला जाता है। गहराई भी देखेंगे इसकी, भाई मिट्टी में जो मैंने बताया ना मुलायम करता है, सॉफ्ट करता है। ये पूरा फैल गया है और नीचे भी इसमें पूरा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पूरा गीलापन है इसमें ऊपर सारे में ये सब हो गया। और इसमें यहाँ पे हैं, चेक करें थोड़ा सा हाथ लगा के ऐसे, और इसको भी देखें नीचे वाले को। ये मैं थोड़ा सा एक पूछना चाहूँगा, मुलायम कौन सा ज़्यादा है, ये है या ये है? ये मुलायम है। अगर ये मुलायम है, अगर ऐसे खेत की मिट्टी में हम कंद वाली फसल लेते हैं जैसे प्याज है लहसुन है, तो उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो पैदावार ही बढ़ेगी ना जी। ये काम करता है पानी के साथ में दे सकते हैं या हम खाद के साथ में स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे हम कब करेंगे, जब खेत खाली होगा। मिट्टी में स्प्रे जब करेंगे जब खेत खाली होगा, खाली होने पर हम पानी लगाएंगे तब होगा, लेकिन हम खाद के साथ में देंगे तो अच्छा होगा। स्प्रे देना है तो अगर मिट्टी में हम स्प्रे के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रेशो बढ़ जाएगी। अगर उस रेशो में हमने फसल पे स्प्रे किया तो फसल पे नुकसान हो सकता है। खाली खेत में प्योर स्प्रे होगा इसका, एक लीटर पानी में 30 ml मिला दो, खाली खेत में करो पानी लगा दो, मिट्टी को ऐसा सोख कर। लेकिन फसल खड़ी है तो उस समय फिर हम बालू रेत में चूल्हे की राख में मिला के और फिर यूरिया में मिला के खेती में। ये काम करता है एग्रोलाइजर KP2, पानी या खाद के साथ में उसके पोषक तत्वों को डिजोल्व करके घोल के पहुंचा रहा है। और मिट्टी में नमी को रोकते भी रखता है, नीचे पर भी काम करता है। नंबर 3 पे मैंने बात किया, हाँ इसकी मात्रा,
एक बीघा खेत के लिए लगभग हम 150 सेमें 2 से 3 किलो बालू रेत में या चूल्हे की राख में मिलाएंगे, और जो भी हम खाद बके रेत कितना भी मात्रा का बके रहे, चाहे हम 60 केजी डाल रहे हैं या 70 केजी, उसमें अच्छी तरह से वो मिक्स करेंगे और मिक्स करके खेती में आप वो रख दें या पौधे की जड़ रख दें। देखा पीछे से पानी हर फसल धान में कर रहे हैं हम, तो धान में तो सीधा हम यूरिया बकेट दें, पहले मिला होगा बकेट दो उसको। मक्का में दे रहे हैं, मक्का में पौधे की जड़ में दिया जाता है, कर रहे हैं ऐसे। गेहूँ में बकेटते हैं हम ऐसे। आप क्या बोल रहे थे? मटर में हम स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे, एग्रोलाइजर और एग्रोविला उसकी मात्रा में बताऊंगा, लेकिन मटर का तो सीजन निकल चुका ना। मटर में जबरदस्त रिजल्ट है, केवल 2 स्प्रे। जब भर मारे कि खेत भर गया, मैं बताऊंगा आपके जितने भी सवाल है बाद में, आप सभी के सवाल फल फसल भाई जो भी अलग अलग में दूंगा। यानी कि 150 ml एग्रोलाइजर को हम पहले बालू रेत में चूल्हे के नाते मिलाएंगे, खाद में मिलाएंगे। कब कब देंगे? एक तो बुआई के समय जब हम डी ए पी डाल रहे हैं, ठीक है जी। नंबर 2 पे जब हम दूसरी मात्रा यूरिया की लगाएंगे, जैसे गेहूं में होता है 21-22 दिन बाद, फिर दूसरी यूरिया की डोज लगाते हैं हम तीसरी, यानी कि 3 बार आपके साथ में ले दो जबरदस्त रिजल्ट। नंबर 3 पे स्प्रे में हमारी फसलों में बीमारी लग जाती है, हमारी फसलों में कीड़ा लग जाता है, हम दुकान पे जाते हैं दवाई लेके आते हैं जहर पानी में घोलते हैं पंप में डालते हैं स्प्रे करते हैं, पता चलता है कि यार कीड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी लग रहा है थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, मरता ही नहीं है, ऐसा क्यों होना था? कभी हमने इस बात को भी सोचा नहीं है। छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूँ, इस पत्ते को तो जानते ही होंगे यार, कच्चा पत्ता, कितना भी हम इस पर स्प्रे करें तो पानी रुकता नहीं है ना। ये ऐसे स्प्रे होता है ना, पानी है। मान लेते हैं कि इस पौधे में कीट लगा है, पिल्लू लग रहा है, बारीक वाला पिल्लू जो सफेद वाला पिल्लू होता है मच्छर का, और इसमें उसकी क्लोरोपाइरीफॉस साइक्रोमेथ्रिन या क्लोरोफॉस कोई भी हमने जहर घोल बना लिया है, और इस पर मैं स्प्रे करता हूँ। बता पाएंगे कितना जा रहा है इस पर दवाई का घोल? कम जा रहा है। मैं आधा इस पर मानता हूँ, आधा जमीन पे मारता हूँ, क्योंकि हम जो भी स्प्रे कर रहे होते हैं कि आधा तो पौधे पे जाते हैं या आधा जमीन पे जाता है, एक बार ही करते हैं हम अपने पौधे पे स्प्रे, बार बार ऐसे समय कर रहा हूँ ऐसे तो नहीं करते बिल्कुल, बस हम आगे करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आधा इस पे गया, आधा जमीन पे गया, लेकिन आधा किस रूप में गया? एक बूंद के रूप में इस पे रुक गया, हवा चल रही है नीचे गिर, 20% वो बर्बादी मान लेते हैं, तो पौधे पे दवाई का जो घोल बचा वो कितना? 30% बचा। क्या वो पिल्लू खत्म हो पाएगा? क्या काम करते हैं फिर हम 5-6 दिन बाद, 6-7 दिन बाद फिर दोबारा घोल बनाते हैं, दोबारा स्प्रे करते हैं, वहां पे भी ये कंडीशन, फिर दोबारा करते हैं, समझे? अगर मैं इसमें एग्रोलाइजर 82 मिलाता हूँ और मिला के फिर हम करते हैं इसमें कम से कम 3-4 बार मैंने स्प्रे किया है, ये दूसरा पंप है इसमें हमने एग्रोलाइजर एटी को मिला दिया है, और मिला के अब हम स्प्रे करके देखते हैं। एक छोटी सी गलती और करते हैं, घोल के बनाते समय हम क्या काम करते हैं, क्योंकि छोटा पंप है, दवाई सीधा पंप में डाल दिया और पानी भर दिया, या पंप पानी भर के सीधा पंप में दवाई को डाल के स्प्रे करने शुरू कर देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले 1 लीटर या 2 लीटर पानी में पहले फुल बनाओ दवाई,
और फिर वो पंप में डालें और फिर पानी डालें या आधी टंकी भर के दवाई डालें फिर आदमी आदमी जितना टंकी है जितना गिलास से मिला के अपना अपना। ये हमने ये घोल बना लिया है अच्छी तरह से। इस पे कोई आपने बूंद दिखाई दे रही है क्या? नहीं, मैं थोड़ा नजदीक आता हूँ कि दूर से शायद नजदीक नहीं। ये देखेंगे आप जरा एक बार और। पूरा स्प्रे दवाई फैल रहा है स्प्रे है ना, और इस पे अभी भी आपकी पानी की बूंदे नजर आ रही होंगी। इस पे तीन से चार बार किया है ना, ये आपके हाथ में पकड़ लिया, इस पे कोई पानी की बूंद। दवाई अगर ऐसा रुकेगी पत्ते पे ऐसे अंदर समा जाएगी, क्या पिल्लू मरेगा या बच जाएगा? मर जाएगा, मर जाएगा ना। और यहाँ पे यही काम होता, बार बार जो हम दवाइयों का स्प्रे करते रहते। एक पत्ता ये भी और छोड़ दिया है मैंने, ये आपके लिए आप अपने हाथ से भी करके देख सकते हैं। हो सकता है बोलते हैं, हो सकता है बोले कि मैं नजदीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पूरे स्तर नहीं करे एकदम बस देखे। पत्ते के अंदर कैसे दवाई को समायोजित करा देता है, मैं बोल रहा था कि पत्ते के अंदर दवाई को समायोजित करा देता है, अंदर पहुंचा देता है। ये गत्ता है ठीक है, ये जो एग्रोलाइजर वाला ही जो बोतल बनाया हुआ है मैंने, हरी जो बोतल है, ये गत्ते पे जैसा हम स्प्रे करते हैं तो पानी की बूंदें रुक जाती है। मैं इस साइड में करके दिखाता हूँ अभी आपको, ये पानी वाला ही है, देखो देख पा रहे होंगे चार बार की है ना। अंदर पत्ते के अंदर कैसे पहुंचाएगा, तुरंत एकदम से अंदर सूखता जा रहा है। तो वो देखे पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, ओपन क्लोज होते रहते हैं। श्वसन क्रिया प्रकाशन क्रिया इन पत्तों के द्वारा जो छिद्रों के द्वारा ही होती है। एग्रोलाइजर 82 उस दवाई को उस छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करा देता है ना कि चिपकाता है। इतना तो चिपको है ना कम है, पत्ते पे दवाई को अंदर घुसा देता है जिससे कि पूरी पौधे में दवाई का असर पहुँचता है। जहाँ हम तीन स्प्रे में किसी पिल्लू को खत्म करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो रिजल्ट हमको एक स्प्रे में मिल जाता है। तो दो स्प्रे का हमारा जो पॉइजन का ज्यादा खर्चा है, मजदूरी का खर्चा है, वो बच गया। उधर यूरिया की मात्रा धीरे धीरे आप